राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो जी, ये है दोपहर का टाइम और बाकी जो सारा सामान है वो तो लगभग सेट हो गया था। कमरों में तो अलमारी भी कर दी थी हमने और उस दूसरे कमरे में बेड, दीवान, सारी चीज़ें सेट हैं। रसोई भी सेट है, बस स्टोर में जो सामान है ना वो सेट करना रहता था। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे बेड, अलमारी हैं, ये तो हम खाली करके लेके आए थे, पर पेटी हमने वैसे ही रखवा दी थी। तो अभी ये सरकानी थी तो सरक नहीं रही थी, तो इसका कुछ सामान है वो निकाला है, भी बाद में रख देंगे सरका करके जहाँ पे भी रखनी है। और अभी देख रहे थे कुछ बर्तन भी, जो अगर कुछ ज़रूरत का इसमें नया बर्तन रखा हो तो, पर ऐसा कुछ था नहीं। और जो चीज़ें थी वो लगभग सारी बाहर थी, और इसमें से जो अंडोड़ा बिंदरवाड़ है वो भी निकालनी थी क्योंकि वो भी नहीं लगाई थी। बस यही था कि भी अपने घर में ही लगाएंगे। रितु लेके आई थी ना, वो वैसे ही रखी हुई थी। इसमें भी पैड लो के है बैरन, कई बार मंदिर मुंदिर में जावा की तो धोख मारने के इसमें दरे दरे ही हैं बंधेंगे। इसकी दरों के उड़ा है हाँ और वो अभी नीचे है रहा है चली ठीक है। और मोड़ उठ में भी दर दें दे वो जाड़ी अरवा जाड़ी को दर दे और पीछे यहाँ पर लगा रखी है मशीन, तो कपड़े सुखाने थे। और ये जो ग्लास लगाने वाले आए हुए थे ना, तो इनसे ड्रिल मशीन से जो कील है ना वो गड़वा रहे हैं कि भाई कील गाड़ दो फिर हम डोरी बांध लेंगे, क्योंकि एक बार तो कपड़े लेके ऊपर गए सुखाए, उल्टे फिर जो ग्रिल आ गए पेंट करे थे ना उन्होंने उतरवा दिए, तो फिर कहाँ पर सुखाते। पर उन्होंने जो कील गाड़ी थी वह को नहीं ठीक गाड़ी, तो ये जो तीन है दोनों साइड जो सरिया है ना वो गाड़ दिए थे, और सरिया का जो डोरी है वो बांध दी थी, फिर वहाँ पर सुखा दिए थे। और ईव हो गया है यू 3 बजे के आसपास का टाइम, तो खाना पीना हो गया था, रेस्ट कर लिया था थोड़ी देर। ईब जो सूट हमने कल निकाले थे ये तो कल कमे थी रात नहीं कि ईब भी अपना पैक करके रख दो जिसका जो भी रखना है, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि 11 बज रहे थे और इतनी ज़्यादा नींद आवा थी, मतलब धक्का ही आँख मिचें थी। क्योंकि क्यों होया, रात ने गुड़िया सोई को नहीं, पूरी रात को नहीं सोई, 2 रात तो 2:30-3 बजे तक ज्योति रखा है, उसके बाद फिर मैं रखूँ। और शाम ने भी जैसे लेट सोवा 12 तो आराम तो बज जावा, सारे इकट्ठे बैठे रहा, हालांकि नू सोचा भी फिर रात ने उठना पड़ेगा जल्दी सो जावा, पर फिर भी 11-12 तो आराम तो बजे जावा हम, तो फिर 3-3.5 घंटे ज्योति बैठी रहे, फिर 3 बजे तक सुबह 6:30 बजे तक मैं बैठी रहूँ लें। तो 2 रात तो हमने बिल्कुल ऐसे काटी है, एक मिनट भी को नहीं सोई, या एक मिनट भी बस अगर गोड्या में ले लिया तो सो जावे, या फिर जैसे बच्चे ने थेपड़ा नहीं करा पा थप्पड़ मारे जावा तो सुती रहे और हाथ हटान दे जाग जावे, तो फिर नींद का झटका हमने भी आवे उस टाइम पे बड़ा सा। हाथ 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, अगर आधी मिनट खातर भी हाथ हटा लिया ना तो उसे में उठ जावे थी। बाकी ईब ठीक है, वरना कई दिन तो नू लगा था भाई अनु पूरी पूरी रात बैठावेगी, तो पूरा दिन काम करना पूरी रात इसके पास बैठो, और दिन में भी सोने को नहीं पाते, एक तो मिस्त्री लाग रहे हैं, और फिर मन तो दोपहर का टाइम पर अपने वीडियो का भी हो जावे है लोभ की भाई इस टाइम पे अपना है, मैं अपना वीडियो का काम कर लूँ। अभी हम तीनों चल पड़े हाँ शॉपिंग करन, सूट खरीद के ले आवेंगे हैं, के ले आवेगी देख लेंगे। तो ये भाई हम नाना और कह दोनों नाना के जावांगे क्योंकि हम आने को नहीं पाए थे, और कल ने कविता ने जाना है, तो फिर कविता बोली कि चल एक बारी फिर आवांगे। रक्षाबंधन वाले दिन मौसी मामी और कह के गई थी कि आ जाइयो, पर कोने टाइम लग गया, तो फिर आज हम आए हाँ। और फिर हमने सूट वाले का भी जाना है, तो वहाँ पर सूट चुंदड़ी जो भी पसंद आवेगा वो लेके आवांगे। आंधी नहीं मामी क्या नोको आज हम कहे थे ब्लैक आए थे हां फिर तुम सब दे रहा को भी फिर तेरा को तीनों छोरी आ गए था भाई सारे छोरी आ गए मां मेरे मन घर कर कोई नहीं पा ओए मां भाई रो रहे थे 19:20 का बड़ा और के मिल लिया और भाई किसी से हो गए फिर बोला जो सही चीज थी वो दे लाई है कोई नहीं अरे मां सही चीज थी दूसरा वो दिया था उसका लगाम पकड़ाई का नाम था
खुली छोड़ रखी मच्छर नहीं बढ़ेंगे। एक मैस ले रहे मच्छरदानी देखो उड ला रहे तुम भी सो जाया करो आड़े खट गल के। हाँ सारा टब्बर एसी में सो जाया है आंगन के बीच में। और चोर बड़ा है कदे कोई आ जावे मम्मी ने ताजा दूध काढ़ा है चल गया ताजा दूध की तोड़ी आम कोड़ से मारी पैर रहा और उसके अमित नहीं कहा था बैठ ला रहे थे अपा न बोले मखाड़ तो बताए कि अमित अमित है जिसका पहुंची बहन से कहा बैठ तो मैं बड़ा तो कहिए थे फिर बलाड़ा तो मामा मनजीत सही हो जो दुकान पर था फिर ये बोले मामे का तो के पोची बांधना मैं कहना मामा के केडर है पोची बांधन का। अमित बोला बड़ तला कुर्सी ला ले जो सावे नहीं उसे कह दे आज पोची बंद वाले उसकी क्या वाव है उसकी क्या वाव है वाव है थोड़ी दूर होगी फिर यार बैठ गई तो तुम ना दिखो इसने ना भी आप तो गर्मी में मर लेंगे। अच्छा इधर नू हाथ में नू ना ही का ऊपर धर ले ना नू तो को नहीं मजा आवा पता नू ये कर लेंगे चला तो भाई पहले तुम गए थे मामी परमजीत और क्या है और मामी परमजीत तो जा रही है अपने घर तो मौसी आ रही है सुलेखा। मामी परमजीत की सगी ननंद है यार ठीक है क्योंकि पहचान को नहीं होती कई लोगों ने कन्फ्यूज होए रहा मैं वो मौसी है की तो चलो वो भी कितने की मौसी तो इतनी लंबी छोड़ी दिखती भी को नहीं पर मामिया की तो हो रही होगी तो वहाँ पे तो मौसी थी को नहीं यहाँ पे आ गए हम फिर यहाँ पे मिल गई थी हमने मौसी में कहा चलो दोनों की इकट्ठी है सज जाएगी वरना फिर मौसी अगर और की तेजारी होती फिर वहाँ पे जाना पड़ता। और ई मामी प्रीति और कह रहे हैं अपना चाय पानी पिया काफ़ी टाइम तक बैठे रहे बिल्कुल लेट हो गए थे ना सुतरी बात भी सड़ाड़ के जो अगली का जबक बिठावेगी ढंग तक हो निकल दी कि मैं भी इस डाल का है वो नु सोचे तो फिर इनकी होगा फिर एकदम न बोली बोले इसको तो वहां चढ़ेगी वो सारी थोड़ी बात बात करते हैं।
करीना बिनू तो हिसाब लाना था भाई कौन आओगा डाटन बता पाछे बैठ गई उनका मैं खड़ी हो लेंदी रोए जानी भी उड़ा कोई नहीं डाटा था तब ना रक्षा बंधन पको नहीं आए थे हम उन तक आवा थी हां हां उन तक रक्षा भाई से कहनी पाची चार भी मना रही थी ची सत्ती ने दिन पाछो हो गए 30 का रक्षा बंधन था 5 5 9 चार ने बात की हां वो भी तो करना है दो दिन उसका है दो यहां पर कौन से दिन जाओ जो दे देखो जब कोई आवे थे ये कोपर गेरन जावे थे एक दिन भी कोनी आई या रहने दे मम्मी देम क्या तो नहीं जमा बारना को टप जे ओ नु भी कोनी हुंदी ला जाके तो देख लिया अगलिया के के था एतवार ने मन्ना बेरा मेनू वाली चा पिया लिया मन्ना हां पट्टू से रो हां नु बोले जे तो कल कौन थी मैं चा बना ले नहीं अपनी दोनों आखी हां नु बोले एतवार ना गई एतवार ना सारी बात छूटे ए बेबे किस ने नंद क्या रहा ए क्याड़े भी फंस गया क्या मेरे बाबू आड़े तो फंसिया था तो कोई मांगो थी इतने साल पाछ है आए मार के याद से लिए थे ना लिए थे तुम्हारी याद आ रही है वो तो बेचारा बेचारे चुगड़े बैठी है उसका तीनू हां वो बीच में बैठा रखा देख पल छोड़ी को नहीं पहुंच गए हम दुकान में कपड़ा लेकर ये देखेंगे सूट चुनरी के तो पहुंच गए हैं दुकान में और मैं तो हम लेने आए थे चुंदड़ी क्योंकि कविता कह रही थी कि मेरे सास रखानी चुंदड़ी है ना सुथरी को नहीं मिलती इसके मेरी चुंदड़ी पसंद आ रही थी एक तो मैं जो लाल हरी ओढ़ा करूँगा कि मैंने बहुत सुथरी लग गया चुंदड़ी इसी चुंदड़ी मेरी मंगवा दिए मां मेरा नहीं भी मेरी सासू ले आई थी कितने ले आई थी और बोली कि 40 का देख के आवांगे पागी तो यहाँ पर हम चुंदड़ी देखने आए थे बस फिर वो हो गया हमने सूट देख गए और यो सूट आंदे नज़र पड़ी थी इस पर वो पसंद आ गया था तो फिर हम ना सोचे कि चलो और देख लें और इसे बहुत सारे सूट थे और सच बताऊँ हमारे जितने भी सूट थे ना मतलब 7-8 सूट हमने देखे थे बाकी को नहीं पसंद आया कुछ भी पूरी दुकान में लेकिन ये 7-8 सूट इसे थे इनमें थे ना हम नू कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि कौन सा लेवा और कौन सा छोड़ना तो फिर हमने यहाँ पे तो एक एक सूट ले लिया था और वो आपने फिर दिखावांगे भी अच्छी लग रही थी क्योंकि इस कम है कि या इसी है अच्छा ये प्लेन है बिना कढ़ाई का है मसलिन का है कपड़ा देखो सही है ये अलग से चीज सही लग गया है वो नहीं सारी चीज वो एक सीए मिला है बस 1600 रुपया में है गंगा के भी दो से ढाई साड़ी को नहीं अरे ये सात से की ओढ़ के ये के काम आवेंगे चिट्ठा पै तो चुंदड़ी है ये भी किंग डाल
फिर सात सौ का सूट आ जाएगा घर पहन का आड़े को टप जेंगी है तो जवान छोरी है इसका कर लिया था कम है आ पागल फिर उठा ले जी गिनती के कड़ा जाएंगे बैरन और ना के ना बुंदी सपना आ रे ये आ के ना मारो फिर दो वाली की ना बस दो डाल दे और एक आदमी तो इसका झूठा खाने वाला चाहिए बचता सौदा ज्योति कर रही है बर्तन साफ और यहाँ पे हलवाई बुला रखे है स्पेशल कड़त बुला रखा है आज यू सब्जी बना के खुआओगा क्योंकि इसको सब्जी पसंद को नहीं आती है घी के रह रहा बाकी तोरी की सब्जी में मेरे बाबू आराम फरमा रहा है दोनों बच्चे बैठे हैं कविता झाड़ू लावा है क्योंकि मिस्त्री भी गए हैं ठीक है मैं आटा बेऊंगी और मैं माँ बेटी वो लटो पिंद्र में है तो चलो भैया आज के व्लॉग में इतना ही कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना और अब डेली व्लॉग आएंगे क्योंकि अब मशीन वाले अट गए हैं तो वो शोर करने का टाइम मिल जाएगा ठीक है तो चलिए फिर बाय बाय टेक